पूल पार्टी करेंगे, फर्स्ट टाइम पूल पार्टी कर रहे गोवा में। देख रहे हो कितना प्यारा बनाया है, नाइस, अच्छा लगता है बनाया, बढ़िया प्यारा है। कहीं भी जाओ अपना स्पीकर लेके जाओ, गाना बजना चाहिए लगातार, और पार्टी का माहौल तगड़ा वाला रहना चाहिए। तो भी प्लान करो गोवा का तो 4 दिन बहुत है, मतलब अगर आप हद पार्टी वाले हो तो 4 नाइट्स 5 डेज बहुत है, अगर नॉर्मल हो तो 3 नाइट्स इज गुड। कितना मस्त लग रहा है ये, ऐसा आपको शीशा लगा कर मिलेगा। जब हमको भी ले जाए जा। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? गाइस होप आप सब अच्छे हो गाइस। सो महादेव, जय श्री राम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कल हम लोग ने रात में सो गए थे, एक्चुअली क्या हो गया था, थक गए थे और फिर भूख भी लगी हुई थी, फिर ऑर्डर किया पराठा पालक खाया फिर सो गए। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं क्या करना है। मॉर्निंग में कुछ मुझे नहीं मिली कॉफ़ी, तो मैंडेटरी है यार, एडिक्शन है कॉफ़ी, कॉफ़ी के बिना तो अपना दिन ही नहीं चलने वाला, तो कॉफ़ी पीते हैं फिर आगे दिखाते हैं आपको। सो गाइज, तब से रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यार अभी इतनी धूप में कहाँ कोई बाहर जाएगा यार, हमको तो नहीं पसंद धूप में बाहर जाना। तो शाम को 4 बजे निकलेंगे हम लोग, पूल पार्टी करेंगे, फर्स्ट टाइम पूल पार्टी कर रहे गोवा में। कुछ दिया पूल पार्टी गोवा करके नेम है उसका, मैं आपको मेंशन कर दूंगा वो भी। तो वो 4 बजे से लेके रात में 12 बजे तक है, बट अगर आप 4 से 10 के बीच में जाओगे आपका फ्री एंट्री होगा, तो वहाँ पर इतना जुगाड़ लग गया, फ्री में एंट्री हो जाएगा। अपन पहले ही पहुँच के वहाँ पे मस्त मज़े करेंगे। स्टे ट्यून गाइस, सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, हमेशा की तरह सबको शेयर करो यार। सो गाइस देखो रेडी हो गए, अब चलते ही है मेरा आउटफिट, चलते हैं गाइस, करते हैं पूल पार्टी, देखते हैं पूल पार्टी कैसा है अपना, पूल पार्टी करके बताते हैं आपको। गूगल्स रख ले, काम चला गूगल से अपना, ना भाई सिस्टम हो गया, ये पावर बैंक और गाड़ी का चाबी रखा ही हूँ। ठीक है भाई, पहुँचते हैं फिर दिखाते हैं आपको वीडियो। तो स्टे ट्यून गाइस, लग रहा है वीडियो में कहीं वे, और हमेशा की तरह शेयर करना ना ही मेरी गाइस। सो गाइस चलते हैं अपने धंधे पे, बैठ गए, स्टार्ट करते हैं अपने धंधे को। ये स्कूटी भी रेंट पे बता देंगे कितने का पड़ा, सब कुछ बताएंगे गाइस, लगे रहे वीडियो में। दिया आ गए हम लोग, आपको दिखा रहे हैं, ये देखो यहाँ से इसका एंट्री गाइस, पहले ये देखो, ये दिखा आपको, ये देखो यहाँ पे लिखा ना दियाज, अब आपको एंट्री दिखाते हैं, यहाँ से एंट्री है दिया का, चलते हैं अंदर फिर दिखाते हैं वीडियो। जब ये नया खुला हुआ है तो देखते हैं कैसा है ये अंदर से, और आपको भी दिखाते हैं, यहाँ पे भी अपना जुगाड़ चलेगा गाइस, अंडरस्टैंड गाइस, ओनली ओनली जुगाड़। यहाँ से एंट्री है, एकदम खाली है यार ये तो ना, एकदम खाली है गाइस, देख रहे हो कितना प्यारा बनाया है, नाइस, अच्छा लगता है बनाया, बढ़िया प्यारा है। इधर यहाँ से निकलते हैं, हमें मज़ा नहीं आ रहा है, देखो कोई है भी नहीं, क्या ही मज़ा आएगा, फ्री एंट्री तो मिल गया बट क्या मतलब है यार, जब भाई भी नहीं आएगा वो मज़ा वाला, देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है गाइस। तो यहाँ से निकलते पहुँचते डिटोल से, वहाँ घूमते हैं, वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। जब हम लोग गए थे टिटोस लेन, टिटोस लेन घूमे, अब हम लोग आए अंजुना विला, जहाँ एक बार हम बहुत पहले आए हुए थे, इनसे बार मिलते भैया से, बहुत दिनों का मिले इनसे, हम मतलब 4-5 साल से गोवा रहे, जब भी आते हैं तो इनके जरूर रुकते हैं, बट कोई वजह से रुकने पर। हेलो रमेश भैया, क्या हाल है? बढ़िया जी सर, आप कैसे? कैसे आप? बढ़िया जी। हम बोले जैसे 2 दिन हुआ, मतलब कल तो आज दूसरा दिन, क्या बता रहे हैं? सो गाइस देखो भाई, आपने वहाँ का आपका समझिए 2000 रुपया एक दिन का है, तो हम भी वहीं मोरजिम, हाँ हम भी एक चीज़ देखे हैं कि यहाँ से पूरा क्राउड वहीं जा रहा है, मतलब बहुत क्राउड है भैया वहाँ पे, बहुत कपल का क्राउड। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना सर, अभी जो रशियन जो रुक रहे हैं, हाँ, लोग ऐसा पूरा घर भी रेंट पे ले लेते हैं, तो उनके जो भी फ्रेंड्स आने वाले हैं, हाँ, अच्छा, तो उसकी वजह से हम होटल वाले को थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहे हैं, साल भर के लिए उसको फ्लैट को सब खरीद लेते हैं, ये 2 महीना रुके जाएंगे, फिर किसी और को भेजेंगे, इसीलिए इसलिए देखो ये अपना विला अंजुना, हम सोचे यार दिखा देते यार, लिटरली आई लव दिस स्विमिंग पूल यार, इसका हाइट बहुत सही है, मज़ा आता है यार, अलग ही सीन है यहाँ पे गाइस। आगे अपने रिजॉर्ट, और अभी थोड़ा बैठते हैं, बकचोदी करते हैं, फिर रात में निकलेंगे, मतलब बैठ के हवा करते हैं, फिर रात में निकलेंगे वहीं थलासा, फिर से जाएंगे थलासा गाइस। और लिटरली सर जितना क्राउड है मोरजिम पे ही आया है, देखो भाई से मिलो अपने, देख रहे हो गाइस कितना तगड़ा है। तो गाइस चलते, बहुत ज़्यादा लेट हो गए, चश्मे लगा लिए, मस्त लगेगा रात में देखने में, चलते हैं वहाँ पे थलासा,
और फिर दिखाते हैं आपको। सर हम लोग आ गए थलासा, अब चलते अंदर पारोई करते हैं। पारोई देख रहे हो थलासा, ये देखो अंदर एंट्री करते हैं थलासा में गाइस। जहाँ पे एंट्री लगता है हम कुछ जुगाड़ करते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ जुगाड़ करते हैं। तो भाई अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं रिजॉर्ट पहुँच। गुड मॉर्निंग गाइज, जस्ट अभी सो के उठे हैं, ब्रश व्रश किए हैं और बैठ गए कॉफ़ी लेके, कोल्ड कॉफ़ी। हालत ख़राब हो गया यार, सर दर्द कर रहा है हल्का हल्का। और आज हम लोग का चेकआउट है तो आराम से चेकआउट करेंगे, सूट में भी दबा के। नवरत्न से प्योर वेज थाली मंगवा ली है, मस्त देखो कितना डिस्काउंट लगा, कितना सही पड़ गया अपने को। कितना वो भैया? 121 गाइस, देख रहे हो कितना सही पड़ा, सस्ता पड़ा अपने को। मेरे नए फ्रेंड से मिलो, चाचू चला गया। अभी हम लोग निकल रहे हैं गेड़ी शेड़ी मारने, बाहर चलते हैं, बाहर थोड़ा गेड़ी शेड़ी मारते हैं। आज हम लोग का लास्ट दिन है गोवा में, कुछ तो करते हैं यार, कितना घर पर से रूम में रहेंगे, चलते हैं बाहर गाइस। यार आपको एक से एक एस्थेटिक सामान मिलेगा, आपको दिखा रहे हैं, ये देखो, देख रहे हो यार, यहाँ पे एक से एक एस्थेटिक सामान मिल रहा है, फोटो लगाने के लिए और ये मिरर के लिए लगाने के लिए पूरा बना है। देखो ये वाला, देखो भाई ये कितने का है, ये देखो गाइस कितना मस्त मस्त चीज़ है, देख रहे हो यार, वाह, पूरा पुराना सामान आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देखो कितना मस्त लग रहा है, ये ऐसा कुछ शीशा लगा के मिलेगा, देखो ये अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे पूरा दिखेगा, मतलब बढ़िया है यार, बट बहुत कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। चलते हैं गाइस आगे दिखाते हैं आपको। देखो भैया से मिलो, ये यूपी के हैं, इन्हीं का शॉप है, उन्हीं से बातचीत चल रही थी, कितने का क्या कॉस्टिंग करता है, कौन ख़रीदता है, वही बता रहे रशियन लोग ये सब खरीदते हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली ना गाइस, हम लोग कहाँ से इतना अफोर्ड करेंगे, 12-12 हज़ार रुपये का एक सिर्फ मिरर। हेलो भैया, हाँ हाँ आज रात में जाना है, सो गाइस आज रात में हम लोग चल जाएंगे पुणे। इतना आ गया डोमिनोज से पिज्ज़ा, थिन क्रस्ट पिज्ज़ा और चौको लावा, लिटरली आई जस्ट लव, थैंक यू भैया। हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं बीच पे, पहले प्लान था कुछ कैफ़े जाने का बट कैफे नहीं हो पाया, तो पहुँचते हैं हम लोग ये बीच पे डायरेक्ट, तो गाइस चलते हैं बीच, ये देखो सीन यहाँ पे कुछ ऐसा है, पहुँचते बीच यार नहाए जल्दी से, देखो आग ला लोगे समय। और भाई बाय बाय, आने वाले सारे रात चलेंगे, हमको भी ले जाए जा। देख रहे हो लोग गिरते रहते हैं ऐसे, गिर गए लोग, देख रहे हो भाई क्या मस्त माहौल चल रहा है यार, मस्त यार, हाय हाय, देख रहे हो फील करो, हाय हाय गाइस यार मजा आ गया, चलते हैं अंदर से दिखा दो, सनसेट भी होने वाला है, देखो चलते हैं अंदर। सो गाइस दिस इज आवर लास्ट डे इन मुर्जिम, आज ही मेरा बस है, तो बस पकड़ेंगे मापुसा से पहुंचेंगे पुणे, तो सोचे थोड़ा चलते शेक पे, थोड़ा मज़े से करते शेक पे, और यही शर्ट था एज यूजुअल, आप लास्ट वीडियो में भी देखोगे जो मैं पहना हुआ था, चलते यार, वैसे हमको धूप से बहुत एलर्जी है बट कोई बात नहीं, आज सब चलेगा, सब कुछ चलेगा गाइस, चलते पहले भुट्टा लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको, स्टे ट्यून लगे रहो वीडियो में। पर गोवाएँ हर बार गोवाएँ मज़ा आता है, मतलब मेरा 7वां 8वां टाइम है, हर बार ही एक अलग ही मज़ा आता है यहाँ पे, और लगता है ये 8वां टाइम लास्ट टाइम है, शायद दोबारा नहीं आए, मतलब और भी कुछ एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ सिर्फ गोवा थोड़ी ही अपने पास बहुत कुछ है, थाईलैंड, अब कुछ करते हैं इंडिया के बाहर का ट्रिप,
बहुत हो गया। आप लोग भी प्लान करो गोवा का तो 4 दिन बहुत है, मतलब अगर आप हद पार्टी वाले हो तो 4 नाइट्स 5 डेज बहुत है, अगर नॉर्मल हो तो 3 नाइट्स इज गुड फॉर यू। तो आप लोग इसी हिसाब से अपना आइटिनरी बना सकते हो गोवा के लिए। देखो कितना मस्त टेक्निक है, ये देख रहे हो कितना मस्त टेक्निक है, भुट्टा विथ व्यू देख रहे हो क्या प्यारा है यार। पर बीच का भी एक अलग ही मज़ा है, मतलब शान माहौल, बस सी का आपको एक साउंड आएगा, मज़ा आता है यार। मतलब अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे आ जाओ। मैंने एक वीडियो में बोला था कि मुझे माउंटेन बहुत पसंद है, बट अगर बहुत टाइम हो जाए बीच में, बीच भी जाता है यार अपने को। इतनी बार हुआ है पर का जो वेदर है ना बहुत है, मतलब रात में आपको ठंडी लगती है यार, वरना जानते हो यहाँ पर ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि बस इतना रहता है कि पसीना बहुत होता है। बट इस टाइम ऐसा हुआ है कि रात में ठंडी लग रही थी, मैं कल आया था जब वहाँ से थलासा से, लिटरली ठंडी लग रही, मैं जैकेट एक रख के रखा था स्कूटी की डिग्गी में। तो गाइस वहाँ रिवर है, सो गाइस देख रहे हैं कितना खतरनाक लहर है, बाप रे बाप, वाह कितना खतरनाक लहर है गाइस, ये देखो वाला लहर है यार। बहुत एंजॉय करें गाइस, आप एंजॉय करो, मस्त वॉक चल रहा है बीच पे, वॉक किया जा रहा है और बहुत सारे एंजॉयमेंट, बहुत सारे व्यू लिया जा रहा है, बहुत अच्छा व्यू यहाँ से आएगा। आप मोरजिम बीच में जरूर आपको एक से एक व्यू दिखेगा, बीच का, माउंटेन का, शेक सब कुछ आपको मिलेगा। तो गाइस चलते हैं और दिखाते हैं, इतना मस्त हवा चल रहा है ना क्या ही बताए, गजब हवा चल रहा है, हाय हाय मज़ा आ रहा है। यहाँ पे 40 मिनट 45 मिनट रहेंगे फिर पहुँचेंगे अपने रिजॉर्ट, वहाँ से जल्दी से जाएंगे काफ़ी साफ, क्योंकि लेट हो जाएगा, मतलब 40 मिनट आप इंजॉय करें तो निकलेंगे। बस बकचोदी हो रहा है बैठ के शेक पे, कहीं भी जाओ अपना स्पीकर लेके जाओ, गाना बजना चाहिए लगातार, और पार्टी का बहुत तगड़ा वाला रहना चाहिए। आ गए अपने रिजॉर्ट और अब चेकआउट करते हैं, बैग वगैरह ले जाते हैं और कार मैंने बुला लिया, मेरे को जाना है मापूसा अभी तो इसलिए बहुत जल्दी करना, कट टू कट टाइम है अपने पास। तो गाइज यार इसलिए मैंने आते वक्त का कुछ ब्लॉग बना नहीं पाया, पहुँचते हैं यार बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया गाइज, हद वाला पहुँचते हैं। देख रहे फैमिली यहाँ पर मस्त मज़े कर रही है, बहुत तगड़ी मज़े चल रही है फैमिली वालों की, देखो गाइज कितना तगड़ा मज़े चल रहे सबको, देख रहे हो। इस बैग वगैरह रखवाते कैब में और जल्दी से पहुँचते, बहुत ज़्यादा लेट हो गया गाइज, और अपने को पहुँचना है कट टू कट टाइम है गाइज, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, सबसे ज़्यादा लेट हुआ यार, पहुँचते हैं जल्दी से गाइज। अपने भाई से मिले रिंकू भाई जो यहाँ पे पूरा ध्यान देते हैं अपने, और ये अपना हरियाणा का भाई है, क्या नाम है भाई बता दो, अजीत भाई, दोनों लोग पूरा ध्यान देते हैं वेंजेट कॉटेज का, कभी मिलो, और दोनों भाई बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, चलिए फिर आपसे मिलते हैं। गाड़ी में हम जल्दी से पहुंचते हैं यार, अब अपने को याद भी आ रही है पुणे की, 2 दिन बहुत है, 2-3 दिन पुणे को आने के लिए, सो गाइस अब पहुंचते हैं पुणे जल्दी से। अभी पार्टी में बीच लाइन, अभी जब से रशियन का लड़ाई चल रहा है तब से देख रहे हैं बहुत कम आ रहे हैं ना, करते हैं भैया को पेमेंट और वेट करते हैं बस का, बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके, थैंक यू भैया, और वेट करते हैं बस का आने वाला हम लोग का बस। देखो ये अपना बस एकदम परफेक्ट टाइम पे आ गया गाइस, वरना लिटरली लेट हो जाता है, देखो एक बस बैग है पहुँचते अंदर चलते गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार, मतलब हर दिन लेट हो गया, अगर मैंने एकदम कट टू कट टाइम पे लेट यार, जल्दी जल्दी में खाना भी नहीं खाया यार, क्या बोले भूख लगा हुआ है। देखो बस यहीं पर रुका हुआ है, कुछ खाते हैं, भूख लगा है बहुत तेज़ यार। देखो यार आ गए अपना खाना खाते हैं फिर आगे बात करते हैं गाइस,